इस अहम मामले के हवाले से आगाह करें कि मीशा शफी के मारूफ गुलकार अली जफर के खिलाफ मुतनाजा ट्वीट की असल कहानी सामने आ गई। मीशा शफी अली जफर के मुसावी मुआवजा न मिलने पर नाराज थी। मीशा शफी म्यूजिकल प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग की जज थी और 8 म्यूजिकल प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करा चुकी थी। 9 प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से जजमेंट पैनल में अली जफर को शामिल होना था, जिस पर मीशा शफी ने अली जफर को पैनल में शामिल न करने का मुतालबा किया और स्पॉन्सर के इंकार पर मीशा शफी ने अली जफर के बराबर मुआवजे का मुतालबा किया और जब मुआवजा बढ़ाने पर मीशा शफी नाराज होकर रिकॉर्डिंग छोड़कर चली गई। एक जानब उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में अली जफर पर इंतहाई संगीन इल्जाम लगाए हेरासमेंट के, तो दूसरी जानब अब इसकी असल कहानी सामने आ चुकी है। मीशा शफी अली जफर के मुसावी मुआवजा न मिलने पर नाराज थी, जिसकी बिना पर उन्होंने इंतहाई संगीन इल्जाम लगाए। आपको बताएं कि मीशा शफी म्यूजिकल प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग की जज थी, 8 म्यूजिकल प्रोग्राम रिकॉर्ड करा चुकी थी और 9 प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से जजमेंट पैनल में अली जफर को शामिल होना था, जिस पर मीशा शफी ने अली जफर को पैनल में शामिल न करने का पहले मुतालबा किया। स्पॉन्सर्स के इंकार पर मीशा शफी ने अली जफर के बराबर मुआवजे का मुतालबा कर दिया। जब मुआवजा न बढ़ा तो मीशा शफी ने नाराज होकर रिकॉर्डिंग छोड़कर चली गई और इसके बाद ये तमाम मामला हुआ। एक जानब ट्वीट आया और पूरी दुनिया में जग हसाई हुई, क्योंकि दोनों स्टार हैं और सुपरस्टार हैं। अली जफर जो हॉलीवुड और बॉलीवुड लॉलीवुड और बॉलीवुड के अंदर जाने माने फनकार हैं, सिंगर हैं और अदाकार हैं, उनकी एक साख है, जिसके जबकि मीशा शफी भी हॉलीवुड और लॉलीवुड में अपना एक मकाम रखती हैं। लेकिन इस तनाजे के बाद हर जगह आवाज बुलंद हुई और एक जानब मीशा शफी के इल्जामात इंतहाई संगीन थे और वो भी वुमेन हरासमेंट में आते थे, जिसकी बिना पर अली जफर ने उनको अदालत में ले जाने की धमकी भी दी। लेकिन अभी ऐसा कहानी सामने आ गई कि मामला सिर्फ मुआवजे का था।